प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट यार इसका पहले लुक्स देख लो आप, ये फ्रंट लुक्स चेकआउट करो इसके। हालांकि अभी जो लेटेस्ट प्राइसिंग है वो आपको 2,35,000 से 40,000 रुपीज़ की मिलेगी, और ये रेड कलर के लिए तो सबसे कम पैसे चार्ज करते हैं, बट मुझे सबसे अनकॉमन और सबसे अपीलिंग कलर ही इसमें रेड लगता है, बिकॉज ब्लैक ब्लू तो इतने कॉमन हो चुके हैं, हद से ज़्यादा दिखते हैं, बट थोड़ा एक यूनिक कलर चाहिए, अपीलिंग कलर चाहिए, तो यार आपको रेड के लिए जाना चाहिए। विद पिलियन राइड करूँगा तो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होने वाला है। सबसे पहले यार इनिशियल पिकअप आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा इसका। फील तो पूरा है यार इस बाइक को चलाने में, बहुत मज़ा आता है। मतलब जब भी मैं बाइक को राइड करता हूँ ना, काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ V4 को, बट जब भी राइड करता हूँ बहुत मज़ा आता है। सबसे पहला पॉजिटिव R15 का आ जाता है वो इसका पावरफुल इंजन। मैं एक बार रीजंस टू बाय वीडियो बनाया था, उसमें भी ये पॉइंट इंक्लूड करा था। अब 155 cc की बाइक है, बहुत से लोग इस चीज़ पे R15 को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये बाइक बहुत ही ओवर प्राइज्ड है, इस प्राइस पॉइंट पे तो यार हायर CC बाइक्स आ जाती है। बट यार हायर CC बाइक्स जो आती है ना, 200 cc से 250 cc, उन सब बाइक्स को ये टक्कर देती है, तभी इंडियन मार्केट में इतनी बिक्री है। 155 cc की बाइक है, बट ये सिर्फ आपको जो पावर स्पेक्स है ना, 18.4 और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो ये आपको सिर्फ ऑन पेपर ही देखने को कम लगते हैं। जब भी आप इस बाइक को चलाओगे, 200 cc या 250 cc की बाइक से ड्रैग रेस लगा लो, कभी भी आपको इस गाड़ी का पता नहीं लगेगा कि यार 155 cc की बाइक है, और जब इसका VV एक्टिवेट होता है ना तो गजब का ही मज़ा ला देती है। तो कुल मिला के ये है कि यार इसको जो आप इतने प्राइस पॉइंट दे रहे हो ना, तो इंजन पूरा वर्थ इट रहने वाला है, बिकॉज जब भी यामा इंजन की रिलायबिलिटी की बात आती है ना, आज से लेके 10 साल बाद भी देखोगे ना, तो आपको इस इंजन के साथ कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है, बिकॉज मेरे दोस्तों के पास बहुत पुरानी वर्जन 2 है, आज भी इतना स्मूथ है ना इसका इंजन, लोग अप डाउन करते हैं 50-100 किलोमीटर्स, आज भी पुरानी गाड़ियों से भी राइड करते हैं, वही माइलेज और वही पावर डिलीवर करती है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है इसका पावरफुल इंजन। अब दूसरे प्रो की बात करते हैं, वो आती है इसकी सर्विस कॉस्ट। अब बहुत बार आपने लोगों से सुना होगा, गाड़ी लेना आसान है बट मेंटेन करना मुश्किल है, तो वो बात इसलिए बोली जाती है बिकॉज लोग पैसे इकट्ठा करके गाड़ी तो ले लेते हैं बट उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते। उसके दो रीज़न रहते हैं, एक तो बजट और दूसरा है कि किसी को मतलब लेके केयर ही नहीं करता। जो केयर नहीं करता उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट मेनली जब भी आप इस गाड़ी को यामा शोरूम ले जा रहे हो ना सर्विस करवाने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड टेंशन नहीं लेना पड़ेगी। ये गाड़ी आपके कभी भी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसकी सर्विस हो जाती है। साथ ही में जहाँ स्पेयर्स की भी बात आती है ना, अगर आपका पैनल टूट गया, रियर पैनल टूट गया, साइड फेंडर टूट गए, तो आपको कभी भी ये गाड़ी की कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगी, एकदम मिनिमल कॉस्ट में हो जाती है। और चलाने का फील तो यार हमेशा से ये मज़ा ही अलग रहा है।